हेलो दोस्तों, WWE 28 जून 2021 को कॉफी किंगस्टन और बॉबी लैशली के बीच में ब्रॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बॉबी लैशली ने जेवियर वुड को लास्ट वीक के रॉ में मारा था, तो कॉफी किंगस्टन आज के रॉ में बॉबी लैशली के ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमें आज के रॉ में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिलेगा। एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। इस मैच में जो भी जीतेगा वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों, आज के रॉ में और क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। रॉ की शुरुआत में ये अनाउंस हो गया कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एजे स्टाइल के मैच में रैंडी ऑर्टन फाइट नहीं करेंगे। और उसके बाद एडम ने ये अनाउंस किया कि अभी एक बैटल रॉयल होगा और उसका विनर ट्रिपल थ्रेट मैच में जाएगा रैंडी ऑर्टन की जगह फाइट करने के लिए। उसके बाद वहां मैट रिडल आते हैं और मैट रिडल बोलते हैं कि अगर मैं बैटल रॉयल और ट्रिपल थ्रेट मैच दोनों जीत जाऊं तो क्या मेरी जीत को रैंडी ऑर्टन की जीत मानी जाएगी। अगर मैं बैटल रॉयल और ट्रिपल थ्रेट मैच जीत जाता हूं तो क्या रैंडी ऑर्टन को भी मनी इन द बैंक में फाइट करने का मौका मिल सकता है। मैट रिडल के इस शर्त के लिए एडम और सोनिया दोनों तैयार हो गए और मैट रिडल ने सबको शॉक कर दिया जब मैट रिडल ने आखिरी में डैनियल प्रिंस को रिंग से बाहर करके इस बैटल रॉयल मैच के विनर बन गए। तो दोस्तों, अब मैट रिडल ट्रिपल थ्रेट मैच में फाइट करेंगे रैंडी ऑर्टन के बिहाफ में। और अगर मैट रिडल ये मैच को जीत जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन भी मनी इन द बैंक में फाइट कर सकते हैं। आज के रॉ में एक बार फिर से एलेक्सा ब्लिस ने शाइना ब्लेजर के मैच में इंटरफेयर कर दिया और इस इंटरफेयर की वजह से शाइना ब्लेजर निकी क्रॉस के साथ अपने 1-on-1 मैच में हार गई। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आज के रॉ में कॉफी किंगस्टन और एमवीपी के बीच में क्या क्या हुआ। रॉ में आने के बाद कॉफी किंगस्टन ने कहा कि बॉबी लैशली ने जो जेवियर वुड के साथ किया इसकी कीमत बॉबी लैशली को चुकानी पड़ेगी और मैं बॉबी लैशली से WWE चैंपियनशिप को छीन के न्यू WWE चैंपियन बनूंगा। कॉफी किंगस्टन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ MVP आ जाते हैं और MVP हंसने लगते हैं। MVP कॉफी किंगस्टन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम या कोई और कभी भी बॉबी लैशली को हरा नहीं सकता। MVP की बातें सुनकर कॉफी किंगस्टन बोलते हैं कि बॉबी लैशली अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा है, वो कमजोर बनता जा रहा है। अगर हेल इन द सेल में तुमने मदद नहीं की होती तो ड्रू मैकइंटायर ने बॉबी लैशली को हरा ही दिया था और लास्ट वीक के रॉ में जेवियर वुड ने बॉबी लैशली को एक कड़ी टक्कर दी थी जिसकी उम्मीद तुम दोनों को कभी भी नहीं थी। कॉफी किंगस्टन के कहने का मतलब ये था कि अब बॉबी लैशली कमजोर होते जा रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब बॉबी लैशली WWE चैंपियन नहीं रहेंगे। और कॉफी किंगस्टन ने ये वादा किया कि वो बॉबी लैशली को मनी इन द बैंक में हरा के उनसे WWE टाइटल को छीन लेंगे। और उसके बाद MVP और कॉफी किंगस्टन के बीच में बहस होने लगी और कॉफी किंगस्टन ने MVP के ऊपर अटैक भी कर दिया। तो दोस्तों, ये सारी सेगमेंट देख के तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक के रॉ में कॉफी किंगस्टन और बॉबी लैशली के बीच में एक जबरदस्त ब्रॉल होगा। ये तो बात हो गई कॉफी किंगस्टन और बॉबी लैशली के बारे में, तो आइए अब देखते हैं कि ट्रिपल थ्रेट मैच में कौन जीतेगा। ट्रिपल थ्रेट मैच यानी कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैट रिडल वर्सेस एजे स्टाइल का मैच। इस मैच में जो भी जीतेगा वो रॉ की तरफ से आखिरी सुपरस्टार रहेगा जो मनी इन द बैंक में फाइट करेगा। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस मैच में मैट रिडल जीत गए तो रैंडी ऑर्टन को इस मैच में जीता हुआ माना जाए। ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था और इस मैच में ड्रू मैकइंटायर ने एजे स्टाइल और मैट रिडल दोनों को हरा दिया। और इस मैच को जीतने के बाद ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक मैच के लिए क्वालिफाई हो गया। अब ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक मैच में फाइट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।